नमस्कार दोस्तों, वो कहते हैं ना, अगर जीवन में कभी टूट जाओ, अगर जीवन में कभी टूट जाओ तो किसी को कानो कान खबर मत होने देना। सुना है लोग टूटी इमारतों की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रदीप कुमार आपके सामने बच्चों एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ना एक पेपर लेकर आया हूँ। पेपर को देखने के बाद आप कह दोगे सर ये क्वेश्चन है ना सारे के सारे कोर्स में से ही मिलेंगे, 90% से ज़्यादा क्वेश्चन आपको कोर्स में से ही मिलेंगे। एक बार सर कमेंट सेक्शन में ऑन कर दीजिए, ठीक है। तो आज हम बच्चों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर सोल्व। नमस्ते प्रमीत जी, नीचे से करते सर, ज्योति जी, ज्योत जी, सभी, अमित जांगड़ा जी, राम किशन जी, परमीत शोरान जी, आशीष शोरान जी, अंशु जी, सभी को गुड मॉर्निंग। जय माँ सरस्वती का नाम लेके लेक्चर की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आया था, भारत आकार में किस प्रकार का है? भारत आकार में किस प्रकार का है? किस प्रकार का है भारत आकार में किस प्रकार का है? दुनिया का, ए ऑप्शन था, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश, दुनिया का पांचवा सबसे बड़ा देश, और सी था दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश, और डी था दुनिया का नौवां सबसे बड़ा देश। ये पूछ रहा है भारत आकार में किस प्रकार का है, तो आप मेरे हिसाब से इजीली जवाब दे पाओगे, ठीक है। अरविंदर संधु जी गुड मॉर्निंग, ठीक है। पवन जी नमस्कार, नीलम जी नमस्ते, ठीक है। सर आज तो शर्ट बदल प्यारी लग रही है, थैंक यू परमेश्वर कुमार जी। तो ये क्वेश्चन आया था बच्चों, भारत आकार में किस प्रकार का है? तो भारत आकार में कल्पना यादव जी का आंसर आ गया। हेलो नीलम जी, पॉलिटी करवा दो, ज्योति जी जो टॉपिक रहते हैं करवा दूंगा, ठीक है। सभी का आंसर सही आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो दुनिया का भारत कौन सा देश है? सातवां सबसे बड़ा देश है। अगर आए ना यहाँ पर बच्चों, ये आकार का अर्थ है, ये पूछना चाहता है क्षेत्रफल में, ठीक है। तो क्षेत्रफल में भारत का कौन सा नंबर रहेगा? दुनिया का सातवां बड़ा देश है। अगर ये आए ना जनसंख्या में, तो जनसंख्या में ना भारत है ना दूसरा सबसे बड़ा देश है। भारत कौन सा देश है? दूसरा सबसे बड़ा देश है जनसंख्या में। और जिस कदर हम मेहनत कर रहे हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं है कि हम चाइना को पीछे छोड़कर जनसंख्या में पहले स्थान पर पहुंच जाएंगे, और किसी में है नहीं, चाइना को जनसंख्या में तो पीछे छोड़ देंगे। तो ये याद कर लेना, ठीक है। क्लास रुक रही है ना, जाकर दोबारा कर लो। सबसे बड़ा रसिया, बिल्कुल, क्षेत्रफल में रसिया बड़ा है, और जनसंख्या में ना चीन सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल में ना रसिया सबसे बड़ा है, और जनसंख्या में चाइना सबसे बड़ा है। तो दोनों के दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है पूछा जा चुका है, ठीक है। हाँ, पॉपुलेशन में सेकंड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों के नियंत्रण में था? भारत का कौन सा हिस्सा, भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद भी, 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का हिस्सा था, पुर्तगालियों का हिस्सा था। भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 19, ऑप्शन था बच्चों ए पांडेचेरी, बी गोवा, सी रांची, ठीक है, और डी ये जो आपका कश्मीर, कश्मीर। तो भारत का कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947, आशीष शोरान जी ने जवाब दिया सर मुगलों में आगरा से कैपिटल दिल्ली में कौन ले गया था?
आगरा से कैपिटल दिल्ली परमेश्वर जी शाहजहां ले गए थे, कौन ले गए थे? शाहजहां ले गए थे, आगरा से कहां ले गए थे? दिल्ली ले गए थे। ठीक है, तो भारत में कौन सा हिस्सा 15 अगस्त 1947 के बाद पुर्तगालियों का हिस्सा था? गोवा। पुर्तगालियों का क्या था बच्चों? हिस्सा था। आशीष जी ने जवाब दिया है, पुर्तगाली बच्चों भारत में आए थे सबसे पहले 1498 में। एक पुर्तगाली आया था, वास्को डी गामा आया था, और वास्को डी गामा का स्वागत किया था राजा जेमोरिन ने किया था। और ये किस गुजराती की सहायता से आया था? अब्दुल मिनक नामक व्यक्ति की सहायता से आया था। कहाँ पर आया था गुरुजी? कालीकट बंदरगाह पर आया था, और यहाँ से जाते टाइम ना काली मिर्च ले गया, और काली मिर्च को जब यूरोपीय बाजारों में बेचा ना तो 60 गुना यहाँ से प्रॉफिट कमाया। तो पुर्तगाली सबसे बच्चों पहले आए थे, और सबसे बाद में पुर्तगाली भारत को छोड़कर गए थे। तो वास्को एक बार आया था, वास्को डी गामा भारत का आया 1498 में, आंसर नहीं ऑप्शन में नहीं था, तो वास्को डी गामा। दूसरी बार भारत 1502 में आया था। यूसुफ आदिल शाही राजा सेना 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा छीन लिया था। तो ये भी क्वेश्चन आगामी एग्जाम में आ सकता है। तो पुर्तगालियों से वास्को डी गामा आया था, ठीक है, तो ये याद कर लेना बच्चों। ये जो हिस्सा है ना, गोवा है ना, ये 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगालियों का क्या था हिस्सा? ये 1961 तक है ना पुर्तगालियों के हिस्से में रहा था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ काला सोना काली मिर्च को, हाँ पुर्तगाली बाजारों में काला सोना कहा गया था अंशु जी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है, भारत के किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर बनवाए थे? किस राजवंश के राजाओं ने, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। ए मौर्य वंश के राजाओं ने बनवाए थे, बी चंदेल वंश के राजाओं ने बनवाए थे, सी गुप्त वंश के राजाओं ने बनवाए थे, डी मुगल वंश के राजाओं ने बनवाए थे। किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? रट लेना, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? रिफ्रेश करना सर, किस राजवंश के राजाओं ने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे? तो सर मेरे कमेंट शिल्पा जी, अब आपके कमेंट आ रहे हैं, तो खजुराहो के मंदिर बनवाए थे बच्चों चंदेल अरविंदर जी का आंसर आया, परमीत जी का चंदेल के राजाओं ने, चालुक नहीं चंदेल वंश के राजाओं ने ना क्या बनवाए थे? खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, खजुराहो के मंदिर है ना किन शासकों ने बनवाए थे? एंशिएंट इंडिया में ना बच्चों बड़े डिटेल से ये टॉपिक मैंने करवा रखा है। तो चंदेल शासकों ने खजुराहो के क्या बनवाए थे? मंदिर बनवाए थे। किन शासकों ने बनवाए थे? चंदेल शासकों ने बनवाए थे। ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे पूछा जाता है बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किस अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी एक हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल एक हुए? ठीक है, ऑप्शन दे रहा हूँ बच्चों, 1907 के सूरत अधिवेशन में, ठीक है, ऑप्शन क्या था सारे के सारे? 1921 के बॉम्बे अधिवेशन में, 1921 के बॉम्बे अधिवेशन में, 1905 के बनारस अधिवेशन में, और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है कि 1916 के लखनऊ अधिवेशन में,
1916 के लखनऊ अधिवेशन में। ये पूछना चाहता है किस वर्ष गर्म दल और नरम दल, एक अरविंदर जी 1916 में लखनऊ में, ललित शर्मा जी, पवन जी सही जवाब दे रहे हो, ठीक है। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ना नरम दल और गर्म दल क्या हो गए थे, एक हो गए थे। बच्चों 1905 का ना बनारस अधिवेशन हुआ था, कौन सा अधिवेशन हुआ था बनारस, अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने अध्यक्षता की थी और इसमें मांग उठी थी बच्चों स्वदेशी की मांग उठी थी। 1906 का ना कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने की थी, नौरोजी ने की थी, मांग उठी थी स्वराज्य की मांग उठी थी। और 1907 के सूरत अधिवेशन में ना अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने, किसने की थी रास बिहारी घोष ने की थी। और कांग्रेस कितने गुटों में बंट गया था, दो गुटों में बंट गया था, नरम दल में बंट गया था और कांग्रेस गरम दल में बंट गया था। और बच्चों 1916 के लखनऊ अधिवेशन में वो एक हुए थे। लखनऊ अधिवेशन की थोड़ी सी बात बता देता हूँ, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजुमदार ने, 1916 के लखनऊ अधिवेशन की क्या की थी अध्यक्षता की थी, किसने की थी बच्चों अंबिका चरण मजुमदार ने 1916 के लखनऊ अधिवेशन की क्या की थी अध्यक्षता की थी, किसने की थी अंबिका चरण मजुमदार ने की थी। और ये लखनऊ अधिवेशन में ना बच्चों किसके प्रयासों से हुआ था, बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से हुआ था और श्रीमती एनी बेनसेंट के प्रयासों से हुआ था, श्रीमती एनी बेनसेंट के प्रयासों से हुआ था, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेनसेंट के प्रयासों से लखनऊ अधिवेशन हुआ था। और इसमें से ना नरम दल भी एक हो गया प्लस गरम दल और प्लस इसमें ना मुस्लिम लीग एक हुआ था, मुस्लिम लीग यानी तीन दल एक हो गए थे। और हमारी सबसे बड़ी भूल ये हुई कि हमने मुस्लिम लीग की ना अलग से चुनाव लड़ने की बात को हमने हाँ भर दी, और जो कालांतर में किसको जन्म दे देगी, पाकिस्तान को जन्म दे देगी। तो 1916 का लखनऊ अधिवेशन पेपर में पक्का पूछा जाता है। सर मैथ के लेक्चर शिल्पा जी आज मैथ के लेक्चर डाल दिए जाएंगे सर की है ना, एक बार ज्वाइनिंग की प्रोसेस है, वो लखनऊ गए हुए हैं सर, नहीं विजयवाड़ा गए हुए हैं सर की ज्वाइनिंग की प्रोसेस है आज उनकी ना, कुछ वीडियो है ना जब तक वो नहीं आते अपलोड करवा दी जाएगी, ठीक है। एक पूरा का पूरा चैप्टर आज अपलोड करवा दिया जाएगा, वो देख लेना और जो भी डाउट होगे ना हफ्ते 10 दिन में वो सर आकर ले लेंगे। तो बाल गंगाधर तिलक श्रीमती एनी बेनसेंट के प्रयासों से लखनऊ ये आपका अधिवेशन हुआ था और इसमें नरम दल गरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए थे। और इसमें हमने मुस्लिम लीग की अभी इंग्लिश की तो पब्लिश नहीं हो रही बच्चे, अभी जीके पर काम चल रहा है, अलग से चुनाव लड़ने की बात को माना कि जो पाकिस्तान को क्या दे देगी, जन्म दे देगी। और बच्चों परसों है ना एक क्वेश्चन गलत हो गया, मैंने बताया था गंगा नदी है ना कहाँ से नहीं बहती, तो मैंने आंसर पटना बता दिया था, पटना में बहती है बच्चों, वो लखनऊ आंसर आएगा क्योंकि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, वो क्वेश्चन ठीक कर लेना बच्चों। मैंने बताया था गंगा नदी कहाँ से नहीं बहती, पटना आंसर आना था गंगा नदी का, लखनऊ वो सही कर देना। हरियाणा जी के इंग्लिश में पब्लिश होगी क्या, नहीं बच्चों अभी तो हरियाणा जी के इंग्लिश में नहीं है, हिंदी में ही है। ललित शर्मा जी इसका कोई एडिशन हम इंग्लिश में भी कोशिश करेंगे आपको प्रोवाइड करवाने के, ललित शर्मा जी ठीक है। तो ये क्वेश्चन याद कर लेना बच्चों, एक मिस्टेक से कई बार ना जल्दबाजी में ना क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन ना बाद में देखते हैं ना तो पता चलता है कि बच्चों को क्वेश्चन है ना अगली क्लास में हम कम से कम जरूर बता दें। ठीक है आगे क्वेश्चन आता है बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट, सर्वप्रथम जीवन धरती पर कहाँ आया था, सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर आया था, सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर आया था। ऑप्शन था बच्चों ए पानी में आया था, बी आकाश में आया था, सी धरती पर आया था, धरती पर आया था, और डी पूछना चाहता है बच्चों
पहाड़ों पर, धरती या भूमि पर लिख सकते हो, और डी रहेगा पहाड़ों पर। कहाँ पर रहेगा? पहाड़ों पर। तो सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर आया था? सर्वप्रथम जीवन, 11 बजे क्लास हुई थी ना मोहित जी, 11 बजे दिल्ली पुलिस के लिए क्लास हुई थी, ठीक है, तो वो अपलोड भी हो गई है। सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर आया था? तो सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर आया था बच्चों? धरती या भूमि पर जीवन आया था। सर्वप्रथम जीवन कहाँ पर आया था? धरती या भूमि पर बच्चों सर्वप्रथम क्या आया था? जीवन आया था। इस बात का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बच्चों दिल्ली पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि सर्वप्रथम ये जीवन कहाँ पर आया था, तो धरती पर या भूमि पर जीवन आया था। आगे आता है, निम्नलिखित में निम्न मुस्लिम शासकों ने किसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स समाप्त किया था? निम्न मुस्लिम शासकों में किसने तीर्थ यात्रा पर किसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स समाप्त किया था? ठीक है, ए औरंगजेब, बी बाबर, सी जहांगीर, और डी अकबर। अकबर। निम्नलिखित में निम्न मुस्लिम शासकों में किसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स समाप्त है? सर रिफ्रेश करना। निम्न मुस्लिम शासकों में किसने तीर्थ यात्रा पर टैक्स समाप्त कर दिया था? ललित का जवाब, अमित, राज जी, शिल्पा, सभी का आंसर सही आ रहा है, अकबर ने। मैं बताता हूँ बच्चों, अकबर ने 1562 में क्या किया था? दास प्रथा को समाप्त कर दिया था। 1563 में तीर्थ यात्रा पर कर ख़त्म कर दिया था। 1564 में इसने जजिया कर को समाप्त कर दिया था, जो एक धार्मिक कर था, जो ब्राह्मणों से, हिंदुओं से लिया जाता था, यानी गैर मुसलमानों से लिया जाता था। तो अकबर ने ना क्या कर दिया था? तीर्थ यात्रा पर कर समाप्त कर दिया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा पर क्या कर दिया था? कर समाप्त कर दिया था। और बाद में अकबर ने जो अच्छे काम किए थे ना, औरंगजेब ने उनको सभी को क्या कर दिया? दोबारा जो अच्छे कामों को बंद करवा दिया, यानी औरंगजेब ने ना जजिया भी लगा दिया और तीर्थ यात्रा पर भी इसने कर शुरू कर दिया। तो बच्चों याद कर लेना कि अकबर है ना हिंदुओं से प्यार करता था, इसीलिए अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का सवर्ण काल कहा जाता है। अकबर के शासनकाल को, अंशु जी आपके कमेंट आ रहे हैं, अकबर के शासनकाल को हिंदुओं का क्या कहा जाता है? सवर्ण काल कहा जाता है। एक बार तो यहाँ से भी क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन सा मुस्लिम राजा था जो सुबह उठकर सूर्य नमस्कार किया करता था? तो अकबर किया करता था। एक बार आया था, ऐसा कौन सा मुस्लिम राजा था जो अपने प्रियजनों की मृत्यु पर सर मुंडवा लिया करता था? तो अकबर बच्चों, इनके कोई प्रियजन की मृत्यु होती थी ना, सर मुंडवा लिया करता था। अब सूर्य नमस्कार हिंदू करते हैं, सर मुंडवाना हिंदुओं का रिवाज है, तो अकबर हिंदुओं से क्या करता था? प्यार किया करता था। और अकबर, ये क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा खलीफा किससे नाराज थे? तो खलीफा मुसलमानों के धार्मिक प्रमुख है, वो अकबर से क्या रहते थे? नाराज रहते थे, क्योंकि अकबर हिंदुओं से क्या करता था? प्यार करता था। कारण क्या था? क्योंकि अकबर का जन्म 1542 में राजा वीर साल के महल में हुआ था ना, अमरकोट में। तो अकबर क्या करता था बच्चों? अकबर का उस राजा, हिंदू राजा ने अकबर के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था, इसलिए अकबर हिंदुओं से क्या करता था? प्यार करता था। एक अकबर की शादी हरकाबाई से हुई थी, वो भी क्या थी? एक राजपूत रानी थी, इसीलिए अकबर हिंदुओं से क्या करता था? प्यार करता था। ज्योत जी आपके कमेंट आ रहे हैं, औरंगजेब सबसे, हाँ बिल्कुल, अकबर के शासनकाल को बिल्कुल, ज्योति जी सही बोल रहे हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है बच्चों, बहुत बार पेपर में आ चुका है, ठीक है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट, बहादुर शाह द्वितीय या अंतिम मुगल शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कहाँ निर्वासित किया गया था? ये तो बच्चों बहादुर शाह जफर को ब्रिटिश सरकार ने कहाँ पर
निर्वासित किया था, निर्वासित किया था, ठीक है। तो कहाँ पर किया था बच्चों? रंगून किया था। कहाँ पर किया था? रंगून किया था। और ये क्या था बच्चों? बहादुर शाह जफर है ना, ये अंतिम मुगल बादशाह थे। क्या थे? अंतिम मुगल बादशाह। आपसे पूछे अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह होते थे। अगर आए ना अंतिम शक्तिशाली मुगल राजा कौन होता था? अंतिम शक्तिशाली वर्ड आते ही ना, तो अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह कौन होता था? औरंगजेब होता था। औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुगल बादशाह होता था और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। तो मांडले जेल रंगून भेज दिया गया था। मुगल या ना रहे मैं रहूँ ना, या रंगीला ने कहा था। हाँ राज्य वो जजिया हटाया था ना, तब रंगीला ने फरमान जारी किया था, आज के बाद मुगल रहे ना रहे मैं रहूँ ना रहूँ जजिया नहीं रहेगा। तो जजिया को लाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था। बड़े स्तर पर फिरोज शाह तुगलक ने लागू किया, पहली बार अकमल ने बंद किया, फिर औरंगजेब ने शुरू किया, फिर 1719-20 में मोहम्मद शाह रंगीला ने पूर्णतः उसको समाप्त कर दिया था। तो रंगून और इनकी कब्र के बाहर लिखा होता था, बहादुर शाह जफर की कब्र के बाहर लिखा था बच्चों कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की दो गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये क्वेश्चन आता है कि कितना बदनसीब राजा है कि मरने के बाद वतन की दो गज जमीन भी नसीब नहीं हुई। ये किसकी कब्र के बाहर लिखा था? बहादुर शाह जफर की कब्र के बाहर लिखा हुआ था। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको याद करना है, ठीक है। आगे पूछा जाता है बच्चों गंगा नदी का दूसरा नाम क्या है? सपत नदी, सावित्री, भद्रावती या भागीरथी। तो गंगा नदी का ऑप्शन के हिसाब से दूसरा नाम क्या रहेगा? भागीरथी। गंगा नदी का दूसरा नाम क्या रहेगा? भागीरथी। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है। गंगोत्री कहाँ पर रहेगा आपका? यूके में रहेगा, उत्तराखंड में रहेगा, ठीक है। तो यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है उत्तराखंड में। औरंगजेब ने 1769 में स्टार्ट कर दिया था। हाँ जजिया दोबारा 1679 में शुरू कर दिया। जो जी बिल्कुल सही बोल रहे हो, 11 वाली लाइव क्लास नहीं, अरे कोई बात नहीं, बाद में देख लेना, ठीक है। भागीरथी बिल्कुल रविंदर सिंधु जी, ठीक है। आगे क्वेश्चन आता है बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पेपर में ना ये बहुत बार पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था बच्चों? न्यूटन ने कौन सा सिद्धांत दिया था? ये भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम में आया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? ऐसा राजा जिसे देश की दो गज, हाँ परमेश्वर कुमार जी बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। कहते हैं बच्चों न्यूटन एक दिन ना सेब के पेड़ के नीचे बैठा था और ऊपर से सेब आ गिरा, तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया। क्या बच्चों इससे पहले है ना, क्या कभी सेब नीचे, मतलब कोई सेब ही नीचे गिरा था? अमरूद क्या नीचे नहीं गिरते थे? या कोई भी, यानी कहने का मतलब है जो बच्चों कोई इंसान पहल करता है ना, लोग उसी को याद करते हैं। एक कहानी याद आती है न्यूटन की। कहते हैं कि बच्चों एक बार की समय की बात है, न्यूटन है ना, इन्होंने जब गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया ना, तो न्यूटन इतने प्रसिद्ध हो गए कि उनका ना एक यूनिवर्सिटी ने ना न्यूटन को इनवाइट किया था कि आपको आकर हमारे स्टूडेंट को ना संबोधित करना है। तो बच्चों न्यूटन और उसका ड्राइवर है ना गाड़ी में जा रहे थे और कहते हैं रास्ते में ना न्यूटन को ना उनकी तबीयत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई, तो न्यूटन ने अपने ड्राइवर को कहा कि आज हमें ना ये फंक्शन कैंसिल करना पड़ेगा। तो उनके ड्राइवर ने कहा कि क्या आपको यूनिवर्सिटी वाले जानते हैं? न्यूटन ने कहा कि मेरे को नहीं जानते हैं, जब से मैंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया है ना तब से मेरे को बुलाया है, लेकिन उन्होंने अभी तक मेरे को देखा नहीं है। तो ड्राइवर ने कहा कि आज आपकी जगह न्यूटन मैं हूँ और आप मेरी जगह ड्राइवर बन जाइए, क्योंकि ड्राइवर ने ना न्यूटन की ना इतनी ज़्यादा बच्चों क्या सुन रखी थी, इतनी ज़्यादा स्पीच सुन रखी थी कि वो स्पीच दे सकते थे। अब उस यूनिवर्सिटी में जाता है न्यूटन का ड्राइवर और इतनी बेहतरीन स्पीच देता है कि पूछिए मत। लेकिन ना जब वो मतलब ड्राइवर है ना नीचे उतर रहा था ना, तब मीडिया वालों ने घेर लिया और पूछा कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत क्या होता है,
अब ड्राइवर के तो तोते उड़ गए थे ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था गुरुत्वाक्षण का सिद्धांत क्या होता है। उन्होंने तो सपीस देना सीखा, लेकिन ड्राइवर इतना इंटेलिजेंट था, बोला क्या बकवास सवाल किया है, इस सवाल का जवाब तो मेरा ड्राइवर दे सकता है। और ड्राइवर कौन था? न्यूटन। तो कहने का मतलब क्या है कि आपके पास दिमाग होना तो मुसीबतों से भी शर्मिंदा हो जाएगी, मुसीबतें भी। और न्यूटन को तो लॉ ऑफ गुरुत्वाक्षण का सिद्धांत का पता ही था। तो ये चीज़ें होती है बच्चों लाइफ में ना, कभी भी होप को, आशाओं को छोड़ना मत। पता नहीं गुच्छे की कौन सी आखिरी चाबी आपका ताला खोल दे। तो लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकती है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान, मेरे फोन पर तो नहीं चली आज 11 बजे, कोई दिक्कत नहीं नीलम जी, बाद में, हाँ ड्राइवर को भेज दिया था। गुड आफ्टरनून फौजी साहब। ठीक है, तो आगे क्वेश्चन क्या आया था? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है बच्चों 28 फरवरी को, 28 फरवरी को, ऑप्शन है 14 जून को, ऑप्शन है 8 मार्च को, ऑप्शन है 21 जून को। ये पूछना चाहता है बच्चों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय ऑप्शन ऑन करना, रिफ्रेश करना, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? सभी का 28 फरवरी आंसर आ रहा है। चरणजीत जी, राज जी, अरविंदर संधु जी, ज्योति जी, सभी ने जवाब दिया 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ गया बच्चों, इम्पोर्टेंट डे वाली वीडियो में मैंने करवाया था। 14 जून को ना रक्तदान दिवस होता है, कौन सा दिवस होता है? रक्तदान दिवस होता है। रक्तदान दिवस कब होता है? 14 जून को। 8 मार्च को क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब होता है? 8 मार्च को। और 21 जून इम्पोर्टेंट है बच्चों, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस होता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब होता है? 21 जून को। तो 28 फरवरी को क्या होता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस होता है। सुमन रानी जी जुड़ चुके हैं, गुड मॉर्निंग सर, 11 बजे वाली कोई दिक्कत नहीं, बाद में देख लेना सर, आप एक ही लेक्चर में स्टडी मोटिवेशन मजाक सलाम। थैंक यू परमेश्वर भाई। पवन कुमार जी, ए सर 11 बजे वाले लेक्चर कोई बात नहीं, बाद में आ जाएगा। ब्लड डोनेशन डे, बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं ना बच्चों आपको याद रखनी है, क्योंकि इन सभी चीज़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। सर ये सीरीज़ कितने दिन और चलेगी? आप कहो तो बच्चों कल ही बंद कर देते हैं, कोई और स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन जब तक है ना आप एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन नहीं देखोगे ना, तो तैयारी आपकी रुक जाएगी। इसीलिए इस सीरीज़ को हम कंटिन्यू रख रहे हैं। और जैसे ही एग्ज़ाम आ गया ना बच्चों, इस बैच में ना हरियाणा जीके है ना अपडेटेड वर्जन के साथ, वैसे जीके भाई प्रदीप सर पर अपडेटेड जीके डालता रहता हूँ, और यहाँ पर बच्चों जब एग्ज़ाम की अनाउंसमेंट हो जाएगी ना, तो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर मैं डाल दूंगा। दोबारा हरियाणा जीके पर दोबारा फोकस करेंगे। एक बार ना जितने एग्ज़ाम की डेट ना आई ना, तो मैं इंडिया जीके आपको अच्छे से लेवल की करवाना चाहता हूँ। बाकी आप कहोगे वही कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आगे क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों, सबसे इम्पोर्टेंट पेपर में, आगामी एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है कि ये पेपर में ना, वैसे तो मैंने आपको करवाया था, गांधी और स्टालिन पुस्तक किसने लिखी थी? लुईस फिशर ने लिखी थी। गांधी और स्टालिन इम्पोर्टेंट है बच्चों, गांधी और स्टालिन पुस्तक किसने लिखी थी? पुस्तक ये लुईस फिशर ने लिखी थी। किसने लिखी थी? लुईस, इम्पोर्टेंट है बच्चों, लुईस फिशर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? गांधी एवं स्टालिन पुस्तक। ये मैंने एक एग्ज़ाम में आपको, हाँ 28 सितंबर को भगत सिंह बर्थडे था, हाँ कल 27 सितंबर को डॉटर डे था, बिल्कुल था बच्चे। ठीक है, भगत सिंह के जन्मदिन को तो कौन भुला सकता है। ठीक है, कहते हैं ना शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले,
वतन पर मर मिटने वालों का आखिर यही एक बाकी निशा होगा। तो मतलब क्या है, भगत सिंह को तो हम योगदान को उनके योगदान को तो हम क्या कोई भी नहीं हरा सकता, ठीक है, कोई भी नहीं बुला सकता। तो ये लुईस फिशर की पुस्तक थी बच्चों, ये एग्ज़ाम में ना कई बार आ चुकी है। तो मैं तो कहता हूँ इन फ्यूचर भी एग्ज़ाम में ना किसी एग्ज़ाम में ये पेपर में पूछी जाएगी, तो ध्यान रख लेना इस चीज़ का। आगे पूछा जाता है बच्चों कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, ठीक है, कि ये पूछ रहा है अकबर के किस नव रतन ने अकबर के जीवन पर पुस्तक लिखी थी। अकबर के किस नवरत्न ने अकबर पर, चरणजीत जी इस चीज़ का हम कुछ नहीं बता सकते बच्चों, राजनीति से हम कोसों दूर हैं। अकबर के किस नवरत्न ने अकबर के जीवन पर पुस्तक लिखी थी? एक था बच्चों टोडरमल, बी था बच्चों बीरबल, सी था बच्चों मुल्ला दो प्याजा, और डी था अबुल फजल। अकबर के किस नवरत्न ने अकबर के जीवन पर पुस्तक लिखी थी? रिफ्रेश करना सर, अकबर के किस नवरत्न ने अकबर के जीवन पर, चरणजीत जी, अरविंदर संधु के जवाब, ज्योति नीलम, अकबर के किस नवरत्न ने अकबर के जीवन पर, अबुल फजल बताया, अबुल फजल ने लिखी थी, बिल्कुल सही है। इनकी पुस्तक का नाम था बच्चों अकबरनामा। क्या था? अकबरनामा। और अकबरनामा का बच्चों पहला, दूसरा और तीसरा पार्ट कहलाया था आईने अकबरी। तो बच्चों अकबरनामा और आईने अकबरी एक ही है। अकबरनामा का जो थर्ड पार्ट है ना, वो क्या कहलाया था? आईने अकबरी कहलाया था। तो अकबर के किस नवरत्न ने अकबर के जीवन पर पुस्तक लिखी थी? तो अकबर के किस नवरत्न ने अकबर के जीवन पर पुस्तक लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर के जीवन पर क्या लिखी थी? पुस्तक लिखी थी। टोडरमल ने, वीरबल ने, मुल्ला दो प्याजा, ये भी अकबर के क्या होते थे? नवरत्न होते थे, ठीक है। इतिहास की तीन गज़ल लिखी थी, बिल्कुल ज्योति जी, ठीक है। टोडरमल है ना, ये भू राजस्व मंत्री था। भू राजस्व मंत्री कौन होता था? इसी ने किरोड़ी प्रथा का, इसको क्या कहा जाना, दहसाल प्रथा का, यानी भूमि से संबंधित जितनी भी प्रथा है ना, उनका जनक टोडरमल को कहा जाता है। बीरबल है ना, इसका ना बीरबल को इसने कविराज की उपाधि दी थी। अकबर अगर महान है ना, अकबर को महान बनाने में बीरबल का योगदान है। मुल्ला दो प्याजा क्या होता था? अकबर का रसोईया होता था, और अकबर को खाने में दो प्याज दिया करता था। इसका वास्तविक नाम आता है हकीम हकाम हुआ करता था। और अबुल फजल अकबर का नवरत्न होता था, और इसको ना किसने मार दिया था? वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल को मार दिया था अकबर के बेटे के कहने पर। तो ये क्वेश्चन बच्चों आपको आना चाहिए, ठीक है। किशन के बेटे ने बाबरनामा का फारसी में, हाँ, बेरम खां के बेटे ने बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था, बिल्कुल अरविंदर जी। अकबरनामा नाम था, बिल्कुल जी, बीरबल सलाहकार था। हाँ, बीरबल, अगर अकबर महान है ना, तो अकबर को महान बनाने में बीरबल का योगदान है, क्योंकि बच्चों अकबर अनपढ़ था, और अनपढ़ों के सवाल अगर आप सुनोगे ना तो हंसी आएगी। जैसे बच्चे और अनपढ़ के सेम सवाल होते हैं, जैसे बच्चे पूछ लेते हैं ना, मम्मी कबूतर कपड़े क्यों नहीं डालता, बच्चे के सवाल है। अब बच्चों के सवाल पे हंसी भी आती है, लेकिन मम्मी पापा ना बच्चों के सवाल का क्या देते हैं, जवाब भी देते हैं। लेकिन ना वही मम्मी पापा अगर ना जब वो बुजुर्ग हो जाए ना, हमसे चार बार कोई एक बात पूछे ना, तो हमको गुस्सा आता है। और बचपन में बच्चों हम 50 बार है ना अपने मम्मी पापा से सेम सवाल पूछते थे, और मम्मी पापा को कभी गुस्सा नहीं आता था। और आज मम्मी पापा ना चार बार एक सेम सवाल पूछ लेना, तो हम गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। तो यही फर्क है बच्चों, आज है ना, जब आप उस पोजीशन में पहुंच जाओगे ना, तब आपको एहसास होगा कि मम्मी पापा कभी गलत हो ही नहीं सकते। आज आपको हो सकता है बुरा लगे, उनकी बातें आपको बुरी लगे, लेकिन मम्मी पापा से बढ़कर इस जहां में कोई दौलत है
नहीं है, ठीक है। चाहे आप मक्का की यात्रा करो, मदीना की यात्रा करो, अमरनाथ यात्रा करो, वैष्णो देवी मैया की यात्रा करो, लेकिन ना माँ बाप के पैर दबाने में जो जन्नत है ना, वो कहीं पर भी नहीं है। आप है ना घर की माँ को खुश रखोगे तो माता रानी अपने आप ही खुश हो जाएगी। बच्चों इस बात पर ध्यान देना, 16 अक्टूबर 1605 को अकबर की डेथ हुई थी। अकबर को वीर सिंह बुंदेला ने नहीं मारा था बच्चे, वीर सिंह बुंदेला ने मारा था अबुल फजल को। इतिहास में सबसे महंगी जमीन टोडरमल ने खरीदी थी। हाँ टोडरमल, तभी तो कहता हूँ बच्चों भू राजस्व मंत्री होता था, भू राजस्व मंत्री होता था टोडरमल होता था। इसी प्रकार तानसेन होता था, वो एक संगीतकार होता था मुल्ला। ये तानसेन ने ना मियाँ की मल्हार और मियाँ की टोडी रचना। हाँ माँ बाप का कर्ज हम कभी नहीं उतार सकते बच्चों, उनका ना 10% भी मैं कहता हूँ हम कर्ज नहीं उतार सकते। अभी हमें गुस्सा आता है, लेकिन ना ऐसा जो चीज़ जब तक अपने पास होती है ना, उसकी हमें कीमत पता नहीं चलती, लेकिन जब वो चीज़ दूर चली जाती है ना, तब रोना आता है बच्चों। तो हमेशा जो रिश्ते हमारे पास में है ना, उनकी कदर करना सीख लो, अन्यथा एक दिन बच्चों आप रोओगे और आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी आपके आसपास रिश्ते हैं ना, उनकी कदर करना सीखो। आगे बच्चों क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा, तो ये कहाँ पर रहेगा, अरुणाचल, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा, तो नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में रहेगा। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर रहेगा, हेमिस जैसे पूछ लिया जाता है बच्चों। जैसे ना सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। कई प्रकार के राष्ट्रीय उद्यान से एग्ज़ाम में पूछा जाता है, गिर गुजरात वाला आ जाता है एशियाई शेरों के लिए, ठीक है। एमपी से था तानसेन, हाँ मध्य प्रदेश ग्वालियर से था, प्रॉपर आंसर जी ग्वालियर से था ये। हाँ मध्य प्रदेश सरकार है ना, मतलब तानसेन पुरस्कार देती है। ये भी क्वेश्चन आ गया, कौन सी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है, तो एमपी सरकार तानसेन पुरस्कार देती है, संगीत का पुरस्कार माना जाता है। आगे आता है संतोष ट्रॉफी का किस खेल से संबंधित है। सर ऐसे क्वेश्चन हरियाणा जीके के भी करवा दो, परमेश्वर जी करवा देंगे। संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। अगर आपसे पूछे एसेज, एसेज यहाँ पूछे आपका एसेज ट्रॉफी पूछ ले, या पूछ ले रणजी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी ये क्रिकेट से संबंधित है। किस से संबंधित है बच्चों, क्रिकेट से संबंधित ट्रॉफी रहेगी। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित रहेगी, और एसेज और रणजी ट्रॉफी है ना, ये किस से संबंधित रहेगी, ये किस से संबंधित रहेगी बच्चों, क्रिकेट से संबंधित रहेगी। ये आपसे पेपर में पक्का पूछा जाता है बच्चों, ये क्वेश्चन है ना कई बार एग्जाम का हिस्सा होता है, तो थोड़ा सा याद रख लेना बच्चों, ठीक है। सलीम अली बन्ने अभियान वो अलग है, चरणजीत जी वो अलग है, आप बता रहे हो वो, ठीक है। तो ये याद कर लेना बच्चों, हरियाणा में एक का नाम जो सुल्तानपुर अभियान है, उसको नाम भी पहले सलीम अली पक्षी अभियान था, ठीक है। अकबर को आगरा में दफनाया गया था सर, सिकंदर में, सिकंदरा, हाँ सिकंदरा आगरा में अकबर को दफनाया। ये याद कर लेना बच्चों, तीन ही मुगल बादशाह है ना जिनके मकबरे भारत से बाहर है। एक तो सहादरा लाहौर में जहांगीर का है, काबुल में बाबर का है, और बहादुर शाह जफर का रंगून में है, और जितने भी है ना उनका हुमायूं का जैसे दिल्ली में है, और जितने भी है ना राजा उनके मकबरे भारत में। यह तीन ही मुगल राजा थे जिनके मकबरे है ना भारत से क्या मिलेंगे बच्चों, आपको बाहर मिलेंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है बच्चों। आगे पेपर में पूछा गया क्वेश्चन रहेगा, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन में बच्चों क्या होता है,
लोहा होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? सर बुक रेडी हो गई है क्या? लगभग है ना, 90% बुक रेडी है। नेक्स्ट मंथ वो बुक है आ जाएगी, अक्टूबर महीने में ना वो बुक बच्चों आप तक पहुंचा दी जाएगी, ठीक है। अब है ना थोड़ा सा ना हम है ना बुक के साथ साथ बच्चों 2 अक्टूबर को जो मुहिम हम छेड़ेंगे ना उस पर हमारा ज़्यादा ध्यान है, क्योंकि ना बच्चों के लिए सिलेबस और पैटर्न फिक्स करवाने के लिए सरकार के HSSC के खिलाफ एक लड़ाई चल रही है, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सहयोग करना। और बुक तो आ जाएगी बच्चों, लेकिन एग्ज़ाम कैलेंडर भी तो होना चाहिए, सिलेबस भी तो होना चाहिए, ठीक है। तो कई मुद्दों के लिए हम 2 अक्टूबर को ना एक डिजिटल वॉर लड़ने वाले हैं, क्या आप हमारा साथ दोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हीमोग्लोबिन में ना क्या किसकी मात्रा होती है? लोहे की मात्रा होती है। ये पेपर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन रहेगा। 3 बीघा कॉरिडोर बांग्लादेश और भारत के बीच में, 3 बीघा कॉरिडोर किसके बीच में है? ये बांग्लादेश और भारत के बीच में है, बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा कॉरिडोर रहेगा? 3 बीघा कॉरिडोर रहेगा। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आयरन बहुत अच्छा सर, थैंक यू सर। यूट्यूब पे भी डेली क्लास डाल दिया करो हरियाणा। यूट्यूब पे कोशिश करता हूँ बच्चों, हफ्ते में 3 हरियाणा जीके की क्लास डालने की ज्योति जी कोशिश रहती है, ठीक है। अगर आप साथ दोगे ना तो सर स्टूडेंट कैसे सहयोग करें? बस ट्विटर पर ना आपको ट्वीट करना है कि HSSC मतलब रिफॉर्म्स को लेकर हम करेंगे, यूट्यूब पर या ट्विटर पर होगा, हम आपके साथ है। पवन जी थैंक यू। जब तक आप साथ नहीं दोगे ना तो कोई भी आंदोलन बच्चों के बिना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो ये आज का लेक्चर था बच्चों, पहले तो कमेंट करके बताना कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। और मोस्टली क्वेश्चन है ना बच्चों आपको करवाए हुए थे, आप देख सकते हो 1 या 2 क्वेश्चन हो सकते हैं कि ये बच्चों एक मैं कोई पेपर आपको सोल्व करवाया था मैंने, देख सकते हो आप मोस्टली पेपर में ना क्वेश्चन आपको करवाए हुए भी आए हुए थे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा बच्चों, आप हमें सबसे पहले कमेंट करके ज़रूर बताना, और हम आपकी सेवा में बच्चों हर टाइम हाजिर होते रहेंगे, ठीक है। सबसे कम अफगानिस्तान से, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से तो 80 किलोमीटर की लगती है, वो भी POK वाली सीमा है बच्चे, ठीक है। तो ये भी 7 देशों के बचपन से भूल आया, उस ट्रिक से मैंने आपको करवाई थी बच्चों। तो आज के लिए इतना ही है, कल आपसे बच्चों दोबारा रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।